आइए आइए डॉक्टर साहब, बच्चे की सालगिरह मुबारक हो मिस्टर साहब। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे देखने वालों, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे जो भी इंटरव्यूज़ हैं पुराने आर्टिस्टों के तो उसे पसंद किया और अपने ख्याल का इजहार ईमेल के ज़रिए एसएमएस के ज़रिए करते रहते हैं। मैं फ़ौरन तो सबका जवाब एक वक्त में नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। तो आज मैं जिस फनकार से आपको मिलाने जा रहा हूँ, इन्होंने एज चाइल्ड स्टार अपने फनी करियर का आगाज़ किया, गो के सिर्फ चाइल्ड स्टार तक ही महदूद रहे, बाद में इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन हमें खुशी हुई कि चलो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इनका कोई ना कोई काम या कोई भी इनका हिस्सा ज़रूर है। तो आज मैं जिस घर में आया हूँ तो एक शायद याद होगा आपको संगदिल फिल्म, नदीम दीबा जिसमें हीरोइन थे, और सायका और मसूद अख्तर साहब की पहली फिल्म थी। तो उन्होंने दोनों ने अपने फनी करियर का आगाज़ भी फिल्म संदिल से ही किया। तो फिल्म संदिल में नदीम का जो बचपन का रोल अदा किया था, तो आज मैं उस शख्सियत के घर पे हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी गुफ्तगु है आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह, और आप अपने राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने चाइल्ड स्टार, माजी के चाइल्ड स्टार और आज के आबिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत? बड़े खुशी हुई मुझे तो पता चला कि आपने संगदिल फिल्म में नदीम साहब के बचपन का रोल अदा किया। तो आप ये बताएं कि आपका असल नाम क्या है? सैयद आबिद हुसैन रिजवी। ठीक है, तो कुछ बताएंगे कि किस तरह इस्तेफाक हुआ, कुछ याद है उस बचपन की वो बात कि आप इस फिल्म में किस तरह आए, आपको किसने कास्ट किया? शामिल स्टूडियो में मेरे वालिद साहब का अंदर किया। अच्छा, तो मेरी पैदाइश भी शामिल स्टूडियो के अंदर। अच्छा, ये शौकत हुसैन रिजवी साहब का जो है शामिल स्टूडियो। जी, तो जब मैं पैदा हुआ तो एक साल का बच्चा था उस वक्त, तो मेरे फिल्म इंडस्ट्री में धूम मच गई। अच्छा, ये शफकत भाई के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है, तो बिल्कुल हीरो लगता। अच्छा, तो उस फिल्म उस दौर में एक फिल्म बन रही थी नज़ीर सुबह मैडम की, नौकर तो नहीं? जी, नौकर की। तो वो मुझे गोद में उठा कर ले जाते थे। अच्छा, उसके अंदर जो पहली फिल्म थी गई नौकर थी, उसके अंदर वो सालगिरह का जो सीन था जिसमें लोरी ओवरलैप होती है। अच्छा, राज दुलारे मेरी अच्छी क्यों गिटार है। जी जी, तेरे वाली वाली। जी जी जी,
आइए डॉक्टर साहब, बच्चे की सालगिरह मुबारक हो मिस्टर साहब। बड़ा होता गया तो लोग मुझे हीरो साहब जब मैं स्टूडियो में निकलू कपड़े वपड़े पहन कर, अच्छा, तो सारे जितने भी वर्कर्स थे टेक्नीशियन सारे हीरो आ गया। तो आस्ता आस्ता मुझे शौक पैदा हो गया आपके अंदर, जैसे लोगों ने, जैसे आपने सुना होगा जी, तो उस तरह आपके जहन में एक ख्वाहिश, शायद मैं इसी काम के लिए पैदा हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि हीरो। तो हमारे स्टूडियो में वहाँ पुरानी फिल्में थी इंडिया की, भारत भूषण की फिल्में मैं ज़्यादा पसंद करता था। अच्छा, तो मैं वो अक्सर जब स्टूडियो में चलती थी ना तो मैं देखना चला। अच्छा, जैसे तो ये तो फिर आप काफ़ी बड़े होंगे ना उस वक्त जी, उस वक्त मैं 10-11 साल। तो आपने जब पहली फिल्म थी आपकी उसमें 1 साल के थे, नौकर फिल्म जी, ठीक है। उसके बाद जो आप दूसरी फिल्म बता रहे हैं संगीत बता रहे हैं, ये शायद 68 तो उस वक्त आपकी क्या एज थी जब मैं संगीत फिल्म, 11 साल का, मतलब 1 साल की उम्र में आपने नौकर फिल्म की और 11 साल की उम्र में आपने संदिल में नदीम साहब के बचपन का रोल अदा किया। किस नाम से किया था, क्या आपका रोल था उसमें? उसमें मेरा नाम अनवर था। अनवर छोटू नहीं, वो ऐसे है ना, तो मैं एक नवाबजादे के घर में तो नौकर जो होता है वो बच्चे बदल देता है, वो कहते हैं कि चलो हमारा बच्चा जो है इसका मुस्तकबिल अच्छा होगा, वो मसूद अख्तर भी आप जी जी जी। अच्छा, तो मैं फिर सरकों से भीख मांगता हूँ और जो अमीर का था वो भीख मांग रहा है और जो गरीब का आपका बेटा बन गया ना नौकर का जो बेटा करके। तो 11 साल की उम्र में कुछ फीलिंग आपने बताएं कि आपको पैसा लगता था, जैसे आप के आर्टिस्ट हैं या मैंने ये काम किया है, ये कुछ ऐसी फीलिंग तो होती है इंसान की? वही ना, मैं वो इंडियन फिल्में देखता था भारत भूषण साहब की, तो मैं वैसे ही मैं उनसे बड़ा मुतासिर, मैंने कुर्ता पजामा पहनना और वैसे ही बिल्कुल बहुत धीमे लहजे में बोलना। तो मैं अक्सर स्टूडियो में जब निकलता तो शिबाब करानवी साहब का ऑफिस था ना वहाँ पर सामने ही होता था, तो वो मैं जब उनके सामने से गुजरता तो मुझे देखते रहते थे, वो कहने लगे कौन है ये, किसका बेटा है। एक दिन उन्होंने मुझे बुला लिया, अच्छा, कहने लगे कि बेटा इधर आओ फिल्म में काम करोगे? मैंने कहा कर तो लूँगा लेकिन अगर अब्बा इजाज़त दे दें तो। कहने लगे उनसे इजाज़त हम दे देंगे। खैर वो उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया अपनी फिल्म, कहने लगा मैं जो है ज़रूरत बच्चे की, नदीम के बचपन के लिए तुम बहुत सूट भी करोगे जी। इस तरह वो फिल्म आ, तो अभी बात हो रही थी संदिल फिल्म की, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? चलते हैं थोड़ा संदिल का वो क्लिप देखते हैं जिन पे उन्होंने काम किया, एक सॉन्ग का भी है और कुछ डायलॉग आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद इस देखने के बाद फिर हम आपसे दोबारा इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, ठीक है। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा ना ये सॉन्ग डायलॉग? और अब आप देखें वो बचपन का रोल था और अभी आप सामने बैठे हैं। तो अभी बताइए, एक तो फिल्म आपकी संदिल हो गई, तो अनजान फिल्म में कुछ बताएं उसका कैसे, उसमें क्या? अनजान फिल्म में भी जब वो उनको पता लगा कि ये फिल्मों में काम कर रहा है तो मुनव्वर रशीद साहब ने भी मुझे कास्ट किया। अच्छा, उसमें क्या कुछ आपका बताएं, क्या रोल था और किसका बेटा? उसमें बिल्कुल ये इसके अंदर तो बड़ा मतलब सुपर किस्म का, तो उसमें बिल्कुल नेगेटिव रोल था मेरा। अच्छा,
तो इसमें कितनी एज थी आपकी इस फिल्म में? तो ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई, मतलब 11 साल की, इसमें 12-13 साल मतलब थोड़ा ही वक्फा हुआ है। तो उसमें आपने मतलब नेगेटिव रोल किया उसमें, वो मैं बाहर जाके जुए खेलता हूँ, आदमों मतलब घर से पैसे लेकर जाते, चोरी चकारी हमारा टाइप के जो टाइप के करेक्टर। क्योंकि फिल्म तो मैं बहुत शौकीन हूँ फिल्मों का, लेकिन फिल्म देखी तो नहीं है। बहरहाल अभी हम अपनी लाइब्रेरी में से देखते हैं उस फिल्म, अगर उसका प्रिंट मौजूद है तो हम इनके क्लिप्स आपको दिखाते हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा वहीं से चलेगा। मम्मी 1 रुपया दे दो, जल्दी कीजिए ना, बाहर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। बेटे कह देना मेरे पास नहीं है। मैं ये रोकिस नहीं जानता, मैं तो 1 रुपया लेकर ही जाऊंगा। शौकी बिन बाप के बच्चे को डांटना अच्छी बात नहीं है नजमा। ये लो शौकी रुपया, खुदा तुम्हें खुश रखे, इस घर में सिर्फ तुम ही इसका ख्याल करती हो। मेरा मतलब है 3 लाख रुपया या कोठी। अब क्या होगा अमजद भैया? होगा क्या, कोठी खाली करना होगी। ऐसे ना कहो बेटा, किसी ना किसी तरह इस कोठी को बचा लो, ये तुम्हारे मरहूम बाप की निशानी है। इनके पास तो फूटी कौड़ी ही नहीं है अम्मी जान। लेकिन मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी भैया? तो क्या हम तुम सबके जिम्मेदार हैं? हमारी तरफ से जहन्नुम में जाओ। ये तुम कह रही हो बहू, मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, झूठ बोला, बुद्धू और उसकी बीवी पर बहतान लगाए। तुमने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया, हम पे इल्जाम लगाने की कोशिश ना करना, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ चलो जी। देखा फिर आपने कैसा लगा? तो अनजान फिल्म, संग दिल और नौकर फिल्म, तो आपके क्रेडिट पे 3 फिल्में उसके अलावा भी कुछ की। ज़्यादातर जो मेरा काम था ना संग दिल में, संग दिल मेन आपका ज़्यादा काम उसमें। लेकिन उसके अलावा जो अगर आप बाद में आपकी कुछ फिल्म की है चाइल्ड स्टार, तो कोई नाम कुछ पता है कुछ? अगर छोटा मोटा रोल भी किया है तो कोई नाम बताएं आप कि फिल्म के 3 के अलावा। याद नहीं, इतनी पुरानी बात है वैसे, मतलब की हैं और भी की हैं जो अभी आपको याद नहीं है। तो ये बताइए कि फिर आपने इस सिलसिले को आगे क्यों नहीं रखा? जैसे आप चाइल्ड स्टार के तौर पे आए तो आप आगे निकल जाते, या ऐसी क्या वजह हुई जो आपने ब्रेक दे दिया या वहाँ से हट गया? बस वो घरेलू जिम्मेदारी की वजह से फिर मैं पटरी से उतर, मौका नहीं मिल सका आपको आगे जाने का, या मतलब कोई भी रोल करने का, या इस लाइन में नहीं हो सका। तो मैंने सुना है कि शौकत हुसैन रिजवी साहब की भी आपकी कोई रिश्तेदारी है, तो कुछ उस बारे में बताइए। वो मेरे वालिद के मामू थे। अच्छा अच्छा, इस रिश्ते से मैं मेरे दादा। अच्छा, तो वो तो माशाल्लाह नामी ग्रामी है, उनका तो प्रोडक्शन और ये बहुत काम था। तो और आप वहाँ रहते भी थे शानों में, मैंने सुना वहीं रिहाइश की। तो कभी कोई ऐसा सिलसिला नहीं हो कि उन्होंने भी कोई फिल्मों में या कहीं आगे आपको लिया, या कोई ऐसा काम बनाया? उनके सामने तो मैं डरता ही बहुत था, शर्माता ही बहुत था, वो है भी बड़ी सख्त थे। उनको ऐसा मौका नहीं मिल सका। तो आजकल उन लोगों से किसी से मुलाकात होती है, फैमिलीज में किसी से मुलाकात होती है? वो तो आपके घर के करीब ही है बिल्कुल। अब वहाँ पे रिहाइश तो नहीं है, अब आपकी यहीं पर रिहाइश? ठीक है ठीक है। अच्छा आबिद साहब, अभी आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत से कुछ चाहते हैं? माली हालात सही नहीं है, और फिर जॉब वगैरह भी नहीं, अपना घर भी नहीं, अपना घर। तो आप चाहते हैं कि हुकूमत आपके लिए कुछ करे? इन्होंने ये बताया कि भाई मेरे माली हालात ठीक नहीं, जॉब भी नहीं है, घर भी मेरा किराए का है, तो मैंने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना थोड़ा बहुत टाइम दिया है। और इनके वालिद भी इन्होंने बताया है कि वो शानू इस रोगी से मुंसलिक थे, और शौकत हुसैन रिजवी साहब के बाद
मैनेजर 40-50 साल उन्होंने काम किया है, तो ये चाहते हैं कि इनके लिए भी कुछ हुआ। मेरी भी यही गुजारिश है और मैंने इनका पैगाम आप तक पहुँचाया है, और जो देखने वाले हैं अगर वो भी इनके लिए कुछ करना चाहें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे मेरी ख्वाहिश और मेरा अपना अच्छा छोटा सा हो जाएगा। अभी आपको वैसे आप कोई जॉब वगैरह करते हैं अभी या कोई काम वगैरह? तो फिर आपको माली प्रॉब्लम भी हुई है। तो बात ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी मुश्किल अपनी बात दूसरों से शेयर करने में ज़रा झिझकते हैं, जिसे आप सफ़ेद पोश कह लें या एक शर्म होती है, एक इंसान पे झिझक होती है। तो कहने का मकसद ये है कि इनके माली प्रॉब्लम है, ज़ाहिर कोई जॉब नहीं है, फिर किराए का घर है। तो मेरी तो ये गुजारिश है हुकूमत से भी और जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जो इसका आजकल मैंने सुना है और हो भी रहा है कि फ़नकारों के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है, तो इन्होंने तो अपना ज़्यादा टाइम तो नहीं लेकिन अपना बचपन तो दिया है ना, एक प्रूफ के साथ है, आपने देखा भी है। और अभी हम जब अपने आर्काइव में जाएंगे तो हम इनकी फिल्मों के जो क्लिप्स हैं वो भी आपको दोबारा दिखाएंगे। उसके अलावा फिल्म से जो बुकलेट्स हैं फोटो सेट में जहाँ जहाँ ये हैं उसको भी इस एल्बम में और इस इंटरव्यू में स्टार्ट में शेयर करेंगे, ताकि हमारे देखने वालों को ज़्यादा परेशानी ना हो, इनके फ़न के बारे में आगाही हो जाए। तो मेरी ये गुजारिश है इनका जो भी मसला है इस ईमेल के ज़रिए आप मेरे जो मेरे उर्दू फिल्म आर्काइव @gmail.com यही मेरे ईमेल एड्रेस है, इस पे आप जो भी मतलब इनके लिए करना चाहें वो ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार होऊंगा और ये भी होगा इनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करूंगा कि देखें ऐसे आर्टिस्टों के लिए कुछ करना चाहिए जो मुँह से नहीं बोलते। वरना वैसे ऐसे बहुत मैंने आर्टिस्ट देखे हैं कि जिनके पास सब कुछ है पर वो ये कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो लेकिन ये मुस्तहिक हैं, मेरी गुजारिश होगी आप देखने वालों से भी हुकूमत से भी सबसे कि इनके लिए कुछ किया जाए। आपका आबिद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। इंशाल्लाह जब ये इंटरव्यू तैयार हो जाएगा तो मैं इसका लिंक आपको भेजूंगा और इसकी एक कॉपी भी आपको भेजूंगा। और आप मुझे ऐसा कोई नंबर दीजिएगा कि जाके अगर कोई आपसे डायरेक्ट बात करना चाहे, क्योंकि मेरे पास अगर ऐसे कोई मसला आता है तो मैं उनका नंबर डायरेक्ट दे देता हूँ कि भाई खुद उनसे बात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे, आपके मसाइल हल करे। और जिस मकसद से भी आपने हमने ये काम किया, इंटरव्यू किया, अल्लाह ताला उसको पाए तक में तक पहुँचाए। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब भी कराची आप आएँ मेरी लाइब्रेरी ज़रूर आइएगा, विज़िट कीजिएगा, देखिएगा अपनी यादों को और आप अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।